सो गाइस ये है 2019 की बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क वर्जन, जिसमें अब आपको सिंगल चैनल ABS भी देखने मिलता है। जी हाँ, अब फाइनली आपको बजाज पल्सर 150 के अंदर भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। ये बेसिकली एक अपग्रेड किया गया है, जो लास्ट टाइम आपकी बजाज पल्सर 150 निकला था उसमें से सिंगल चैनल ABS का यहाँ पे आपको एक फीचर ऐड किया गया, जो कि अभी आप देख सकते हैं। ये इसकी ABS की रिंग है और ये इसका डिस्क ब्रेक है, जो कि 260mm का यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया गया है। उसके अलावा इस बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं किया, मतलब कोई भी बदलाव नहीं किया गया बाइक में, एज इट इज़ सेम टू सेम। अगर आप बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क लेंगे तो आपको सेम टू सेम वही फीचर मिलेगा जो कि आपको इस बाइक में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एडिशनल फीचर मिला है, वो आपका सिंगल चैनल ABS के साथ अब ये लॉन्च हो गया है। ये अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो ये अभी भी 150cc गाड़ी है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 14 PS की पावर, और जो टॉर्क है वो अराउंड 13.5 Nm की टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। आप लोग अगर उसका लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको 150 लिखा हुआ है, और जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये आपको रियर सेक्शन में भी एक रिंग देखेगा। ये बेसिकली ये अगर आप फर्स्ट नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये डुअल चैनल ABS है, पर ये डुअल चैनल ABS नहीं है, ये बेसिकली एक सेंसर है। और यदि आप गाइज अगर आप सडनली ब्रेक मारते हैं तो आपको जो पीछे का व्हील है वो लिफ्ट नहीं हो, इसी के लिए ये जो आपको एक छोटा सा रिंग लगाया गया, ताकि आपका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो और आपकी गाड़ी स्किड नहीं करे। अगर हम टायर के बारे में बात करें तो रियर में आपको 120x18x17 का टायर मिलता है, और जो फ्रंट का टायर है वो आपको 90x90x17 का टायर मिलता है। पीछे का टेल लैंप बिल्कुल ही सेम है, और आपको जो नॉर्मली जो पिछले पल्सर्स में आपको फ्लेक्सिबल आपको टेल साइड LED लैम्प मिलता था, वो सेम यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर है। और इसका जो लुक देखिए, अभी भी गाइस 15 साल से गाड़ी चल रही है, अभी भी इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी भी अगर आप बोलेंगे अगर 150cc सेगमेंट में अगर कोई किंग है तो वो बजाज पल्सर 150 है। अगर आप लोग भी इस बात से एग्री करते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप एक इसका ओवरऑल लुक देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये अब ट्विन डिस्क के साथ आया है, और इसका साइड प्रोफाइल देखिए, अगर आप फ्यूल टाइम पे देखेंगे तो आपको जेड सिंबल देखेगा। ये लुक देखिए, इसका जो लुक है कितना ज़्यादा अच्छा है, पीछे में आपको वो सारी गाड़ी मिलता है। और इसका जो सीट है वो आप देख सकते हैं कि ट्विन दो अलग अलग सीट्स हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, यहाँ पर आराम से आप लोग तीन लोग बैठ के चला सकते हैं। यूजुअली जितने भी पल्सर चलाते हैं आराम से दो से तीन तो चलाते ही चलाते हैं, क्योंकि यूजुअली इसके जो मेन कस्टमर होते हैं वो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या कोई काम करने वाले, या मतलब हर टाइप के इसमें कस्टमर को देखने मिलेगा। इसका जो स्पीड कंसोल है उसमें आपको ABS का लाइट देखने मिलता है। अब यहाँ पर आपको साइड स्टैंड का इंडिकेटर मिलता है, अगर आपके साइड स्टैंड डालते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है, साथ ही साथ आप लोग ये ABS का सिंबल भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ABS सिंगल इसका सिंबल भी देखने मिलेगा, और साइड में आपको सिंपली वही ऑन ऑफ स्विच है, और ये आपका साइड मिरर यहाँ पे दिया है, जो कि बिल्कुल सेम है एज़ कम्पेयर टू अगर पुराना पल्सर देखेंगे तो सेम टू सेम वहाँ पे भी आपको सिमलेस चीज़ देखने मिलेगी। अगर हम बात करें इसका फ्यूल टैंक के बारे में, तो ये अपनी सेगमेंट का सबसे हाईएस्ट इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि अगर 15 लीटर है, अगर आप एक बार में अपनी टंकी फुल कराते हैं तो आप बहुत आराम से लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो माइलेज भी कंपनी जो क्लेम करती है वो अराउंड 65 km/L के इसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और एग्जैक्टली इसका क्या माइलेज है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आप लोगों को बजाज पल्सर 150 में आपको क्या माइलेज मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके इंजन के बारे में, तो जैसे मैंने बताया ये एक 2-valve ट्विन स्पार्क इंजन है, DTSI इंजन है, जो कि 150cc की है, और ये पावर भी आपको अच्छी खासी प्रोड्यूस करता है। 14 PS का पावर है, जो कि एक नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर है। जो टॉर्क है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, 13.5 Nm की टॉर्क, मतलब आपको अच्छा खासा पावर और टॉर्क दोनों इस बाइक में मिल रहा है। अगर आप इसके फुटपैक पर ध्यान देंगे तो आप सिंगल वाला फुटपैक है, डबल वाला फुटपैक नहीं है, जैसे कि यूजली आप स्प्लेंडर वगैरह देखें तो दोनों तरफ होता है, पर यहाँ पर आपको सिंगल मिलेगा। और ये 5 गियर की गाड़ी है, इसमें आप 5 गियर से चला सकते हैं। और अगर आप रियर सस्पेंशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिलेगा, जो कि 5 subs adjustable, मतलब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर फ्रंट सस्पेंशन देखेंगे तो यहाँ पर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने मिलता है, जिसमें आपको जो एंटी फ्रिक्शन आपको बुशेस भी लगाए गए हैं। अगर हेडलाइट पे ध्यान देंगे तो हेडलाइट आपको सेम टू सेम एज इट इज़ है, यहाँ पे अभी भी आपको हैलोजन बल्ब देखने मिलता है, जो कि इसका मेन हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसका। इवन इसका साइड का स्टाइलिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इसका फ्रंट का मटका देखें तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग, मतलब आपको कार्बन फाइबर की फिनिशिंग देखने में, जो कि एग्जैक्टली कार्बन फाइबर नहीं है, वो सिर्फ एक सिंपल स्टिकर है। सेम टू सेम अगर इसके साइड पैनल में ध्यान देंगे वो पूरी तरह से यहाँ पर कार्बन फाइबर का फिनिश दिया गया है, लेकिन ये कार्बन फाइबर नहीं है गाइस, ये सिंपली एक मतलब आप बोल सकते हैं स्टिकर जैसा है, जो कार्बन फाइबर का लुक दिखता है उसी तरह का यहाँ पर स्टिकर लगाया गया है। इसका आप लोग रियर टायर देखिए, काफ़ी ज़्यादा मोटर 120 नंबर का यहाँ पर टायर लगाया गया, और दोनों ही फ्रंट एंड रियर टायर यहाँ पर ट्यूबलेस टायर हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर एक ऐसा टायर है जो बहुत ही कम पंचर होता है और मेंटेनेंस कम होता है। यूजली अगर आप ट्यूब टायर डालेंगे तो पंचर होने के चांसेस ज़्यादा होता है, लेकिन ट्यूबलेस टायर में ये सब बचाव रहता है।
ये आप पीछे का देख सकते हैं फुटस्टेप किस तरह का दिया है, क्योंकि अगर ये जो गाड़ी अगर आप लेंगे तो आपको फ्रंट में भी चलाने में कंफर्टेबल होगा, अगर पिलियन बैठा जाता है तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका एक ओवरऑल लुक स्टाइल पावर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अल्टीमेट बाइक है। अगर हम बात करें इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो इसके अलग अलग वेरिएंट, एक नियॉन वेरिएंट है और एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और एक ट्विन डिस्क वेरिएंट है। सो जो ये वेरिएंट, ये ट्विन डिस्क वेरिएंट है, जो इसकी कीमत है वो अराउंड 88,389 रुपीज़ अप्रॉक्स है ex-showroom जो कि रखी है। और अगर आपको ये बाइक परचेस करें तो आप अपने लोकल शोरूम में बात कर सकते हैं और वहाँ पर आप इसका ऑन रोड प्राइस पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये एक न्यू जो 2019 बजाज पल्सर UG5 ट्विन डिस्क सिंगल चैनल ABS वर्जन पसंद आ रहा हो, क्योंकि ये गाड़ी बहुत सारे फीचर से लैस है और मतलब एक परफेक्ट गाड़ी, अगर आप ऑफिस जाने जाने करते हैं या कुछ काम करते हैं तो आप सभी के लिए ये परफेक्ट गाड़ी, क्योंकि इसमें जो लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ में आपको माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है और इवन इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत कम है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जो DTSI इंजन है बजाज का वो काफ़ी ज़्यादा कम मेंटेनेंस मांगता है। इवन इसका अगर पार्ट्स देखेंगे आप वो भी आपको बहुत ही चीप पड़ते हैं, तो इसके जो गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपकी कम हो जाती है, साथ ही साथ आपको पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये आप इसका फ्रंट जो एरिया मैंने दिखाया था, आप ध्यान से इस व्हील को देखिए, इसमें व्हील्स में भी आपको ब्लू कलर का स्टिकर दिया है, जो कि आपको अगर आप देखेंगे तो इस सेम टू सेम आपको रेड वाला वर्जन में मिलेगा, रेड वाला वर्जन में आपको रेड कलर का स्टिकर मिलेगा, पर ये ब्लू एंड ब्लैक वर्जन है सो यहाँ पे ब्लू कलर का स्टिकर दिया गया है। इवन इसके जो इंजन काउल वगैरह देखें तो वहाँ पे भी आपको ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। इस बाइक में आपको इंजन काउल भी मिलता है, और यूजली अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन देखेंगे तो वहाँ पे आपको इंजन काउल नहीं मिलेगा, पर इस बाइक में आपको इंजन काउल भी देखने मिलेगा। अगर आप इसका एग्जॉस्ट देखें तो एग्जॉस्ट में आपको एक प्रॉपर शीट भी दिया है, ताकि आपका पैर वगैरह नहीं जले, क्योंकि जो गर्मी है उससे भी आपको बचाव करेगा। सो बहुत ही अच्छा एक गाड़ी है, और साथ ही साथ पावर भी बहुत अच्छा है। ये आप पीछे ग्रैबल देखें जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, और इस बाइक में मुझे एक कमी क्या लगी कि इस बाइक में आपको किक स्टार्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि यूजुअली अगर आप इंडियन मेंटेलिटी या इंडियन मार्केट देखें तो वहाँ पे किक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ऊपर से ये कार्बोरेटर वाली बाइक है तो इस बाइक में किक होना थोड़ा सा ज़रूरी था, अगर दे देता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इस गाड़ी में सिर्फ सर्च कर दिया है। सो एज़ अ बैकअप प्लान अगर आप सोचेंगे तो आपको अगर इस बाइक में किक मिलता तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। आपका क्या कहना है कि इस बाइक में अभी भी कौन कौन से ऐसे फीचर जो आपको लगता है कि बजाज को इसमें इंट्रोड्यूस करना है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और गाइज़ अगर आपको सभी को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं, और एक एक लाइक करके अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो जाएगा और थोड़ा बहुत सपोर्ट हमारे चैनल को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।